एका बरस ताकतों के खिलाफ जो जंग राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज शेगांव नगरी में जो एक विशाल काय ऐसी अभूतपूर्व सभा हुई जिसने एक नया इतिहास रचा, मैं तो कहूँगा कि फैज के लफ्ज़ों में कि जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से ना टाले जाएंगे और अब तो डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। तो हमारे साथ में हुसैन भाई आज है, तो हुसैन भाई से भी इस सभा के बारे में हम ये करते कि ये क्या इतिहास रखने जा रही है ये सभा। ऐसा ये लड़ाई जो है वो खाली फिरका परिषद के खिलाफ नहीं, यहाँ के सरमाएदारों के खिलाफ है ये, और सरमाएदारों की वजह से ही यहाँ फिरका परस्ती आई है, क्योंकि उनको अभी डर है कि सारा यहाँ का जो धन पैदा होता है वो सारा उनके हाथ में जाता है, कुछ लोगों के, चंद लोगों के। आखिर जो भूखे रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, जिनका जिनके अनाज को पैसा नहीं मिलता, ऐसे सारे जो लोग हैं जो कल अगर उनको समझ गया कि इनकी वजह से हमारी ये हालत है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के फिरका परस्ती चलाने का काम करते हैं। ये जो हेट्रेड है, ये हेट्रेड जानबूझ के चली है, ये हम लोगों ने ध्यान में लिया। एक तो धर्म के नाम से लोग बोलते हैं हिंदुत्व 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 है, कौन सा हिंदुत्व? ये देश में हिंदू धर्म ये खाली बम्बनों का धर्म है क्या? बहुजन समाज का है ना, गाड़गे महाराज क्या बोले, महात्मा फुले क्या बोले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले, ये जो बोले वो सही बात नहीं है। यहाँ आप जिस ढंग से एक तो गाड़गे महाराज साहब ने और सुखड़ो जी महाराज ने तो ग्रामीण गीता भी लिखी, क्योंकि ये जो गीता है वो उनको पसंद नहीं, क्योंकि जिसमें जातिवाद ये क्या वो वर्ण व्यवस्था बताई गई है, बिल्कुल चातुर्वर्ण व्यवस्था हो और जो धर्म का जो साम्राज्य पाते हैं वो राहुल जी लोगों के सामने रखते हैं कि आइए सब इकट्ठा हो जाइए, आज देश बड़ी तकलीफ में है, देश टूट रहा है, वो भाषा से टूट रहा है, वो धर्म से टूट रहा है, वो जात से टूट रहा है और वर्ग से भी टूट रहा है, तो उसको साथ में लेना, सबको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है, जो महात्मा गांधी ने किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसी बात का जिक्र भी ने किया, उसी बात का जिक्र तुषार गांधी जी ने भी किया था। हाँ बहुत अच्छी, बहुत तो हमेशा करते रहते हैं, तुषार गांधी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो तो हमेशा इसके बारे में बोलते। बाद में मुकुल जी ने भी जो एक जो दांडी यात्रा का जिक्र किया था कि एक मुट्ठी भर नमक भी राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हुआ, तो इसी तरह से ये आंदोलन जो है पद यात्रा ये भी एक नई राजनीति की याद दिलाने वाली ये यात्रा है। ये यात्रा खाली अभी की सियासत के लिए नहीं, मूल्य व्यवस्था बदल वैल्यू सिस्टम बदलने के लिए ये बहुत बड़ा उनका उद्देश्य है, उनका छोटा उद्देश्य नहीं। आज की सरकार जाके हम बैठेंगे सरकार में, इतनी छोटी उनके दिमाग में बात नहीं है। बिल्कुल, सबके लिए एक सुंदर दुनिया और जो कि समता मूलक हो, और कोई भी जो आखिरी तबके का आदमी है वो भयमुक्त और शोषण मुक्त उसमें रह सके, ऐसी दुनिया के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन काम कर रहे हैं और हम सब लोगों ने उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जन आंदोलन भी सब साथ में है। आज हमने देखा कि श्याम मानव है, बीजीकोड़ से पाटिल जी है, मेघा पाटकर है, प्रतिभा शिंदे है, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जलगांव से कॉमरेड देवेंद्र भी है, ऐसे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और ये कारवा बढ़ते ही जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।